आखड़े पे तेरे सच का उजाला, रात किया नहीं मुंह तूने काला। हेलो गाइस, आई एम दीपक जोशी एंड दिस इज माय फर्स्ट व्लॉग। और मुझे नहीं पता कैसे करना है क्या करना है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ। और आज हम जा रहे हैं हल्द्वानी, जो कि मेरे बड़े भाई मेरे कज़न है, उनका एक फैमिली फंक्शन है तो उसको अटेंड करते हैं। और मेरे साथ मैं और फूडी जेडी जो कि मेरी वाइफ है, और मेरे एक बड़े भाई हैं कज़न, वो भी जा रहे हैं, के एन जोशी। तो आपको मिलवाता हूँ और मिलते हैं हल्द्वानी में। बाय बाय। रात के 12:30 बज रहे हैं, हमारे बड़े भाई हैं केन जोशी, और बरसात हो रही, बारिश हो रही है, और इसको तो आप जानते ही होंगे, सी इज माय वाइफ। चलो भाई चलो। नहीं नहीं, तू बैठ ना, तू बैठ आगे, उसकी और दिक्कत है, उसको मास्क कहाँ तेरा भाई। कौन सा गाना था वो, रांझा राजा कौन सा था, घूंघट काहे को निकाला, मैंने नहीं सुना भाई। क्यों कर आई गोरी मुंह कहीं काला, मुखड़े पे तेरे
सच का उजाला, रात किया नहीं मुंह तूने काला, कट 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 कट। गाइज अब हमने पी लिए चाय, अब हम आपको मिलते हैं आगे। सो गाइज हम दूसरी बार रुके हैं चाय पीने के लिए। हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है ड्राइव करते करते। एक तो मैं अकेला हूँ ड्राइव करने वाला, और इतनी लॉन्ग ड्राइव करने की मतलब मुझे आदत है नहीं। और ये मैडम जी पीछे सो रही हैं आराम से मस्त। और भाता श्री हमारे, भाता श्री कहाँ गए, भाता श्री हो रहे इंडियन ढाबा। इंडियन ढाबा पर ये है रामपुर रोड पे, रामपुर और रुद्रपुर जाने वाले रास्ते में। यहाँ से रुद्रपुर अप्रॉक्स 30 किलोमीटर के आसपास होगा। यहाँ थोड़ा ठंड है, जैसा कि मैं हमेशा जब भी बाहर जाता हूँ तो शॉल लेके ही चलता हूँ। शॉल मेरा हमेशा मेरे साथ रहता है, और यहाँ काम भी आएगा वो, क्योंकि यहाँ काफ़ी ठंड है। मतलब जैकेट्स भले मैं कितनी भी ले लूँ, लेकिन जी हैं और मनो चोर ये भाभी हैं। हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, थक चुका हूँ यार। आपको मिलते हैं अगले ब्लॉग में। ये ब्लॉग बस इतना ही है, थोड़ा सा रेस्ट करूँगा चाय वाय पीने के बाद, फिर आपको दिखाते हैं अगला ब्लॉग। वीडियो को लाइक कर देना, बोला वीडियो को लाइक जरूर करें अगर अच्छी लगे। तब तक के लिए बाय।